नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमें अपना प्यार दिखाते रहे। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर है नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है। बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से और तमाम हिंदुस्तान हमारी ये जो न्यूज की टीम है इसकी तरफ से सबको ढेरों मुबारकबाद। आइए मिलकर देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, पाकिस्तानी फैंस क्या कहते हैं। आइए मिलकर देखते हैं जबरदस्त सा वीडियो। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक अनदर एम्बैरेसिंग लॉस फॉर साउथ अफ्रीका एंड ऑब्वियसली हिंदुस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। अब हम क्या कह सकते हैं उनकी क्रिकेट के बारे में। अब बॉलिंग उनकी पूरी, बुमराह जैसा खतरनाक बॉलर, आई मीन टोटल डोमिनेशन लाइक ऑल थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। और विराट कोहली को बहुत बहुत मुबारक हो, उसने साबित किया है कि वो दुनिया की, आजकल की दुनिया जो मॉडर्न डे हम ग्रेट कहते हैं, ही इज ऑन टॉप ऑफ लैडर, टॉप ऑफ द लैडर। तो फिर सब नजरें थी कि देखते हैं आज साउथ अफ्रीका क्या करता है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने क्या किया। मुझे आज के मैच का इंतजार इसलिए था कि चलो यार दो बड़ी तगड़ी टीमें, मजा आएगा। ये क्या हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ? हमें क्रेडिट देना चाहिए जो इंडिया इस टाइम पे क्रिकेट खेल रहा है ना, उसके आस पास भी कोई नहीं है। कोहली की रात होगी, कोहली की रात होगी, 48 में 50, अगली 10 बॉलों में खोल दिया। क्या रबादा, क्या यंसन, क्या ये, क्या वो, ये है विराट कोहली, ये है आपका विराट कोहली। 160-170 भरे हुए थे, विराट कोहली मेक श्योर करके खड़ा रहा उस वक्त जब तक 160 क्रॉस नहीं करा दिया उसने टीम इंडिया को। आज आधे रन मार दिया पुणे, अबे बजा के रख दी उन तमाम ढक्कन चोरों की जो साले निकल के कल से दिमाग खराब किया होता, कब से नहीं चल रहा, कब से नहीं चल रहा। अबे उन घरों में जिनमें अभी तक जनाजे पड़े नहीं गए, यानी कि हमारे हमारी टीम के पड़े नहीं गए, उनको भी फिक्र ये थी कि विराट नहीं चल रहा। भाई तुम्हारा बाप है क्या विराट नहीं चल रहा? अगर हम इंडिया की बात करें तो इस वक्त इंडिया रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विराट कोहली आज उन्होंने स्कोर किए और उसके बाद उनकी बॉलिंग खा गई साउथ अफ्रीका को। आज विराट कोहली ने माशाल्लाह अपनी मैं माशाल्लाह इसलिए कहूंगा कि वो सारी पाकिस्तान में भी बड़ा फैन क्लब है उनका, बहुत लोग पसंद करते हैं और वो क्रिकेट की खूबसूरती है। इंडिया की टीम को ना साउथ अफ्रीका ये जो टफ टाइम दे सकती है, हाँ सही है, लेकिन इंडिया ने दिखाया नहीं, कोई भी नहीं जीत सकता। हम वर्ल्ड कप ही उठाएंगे। अक्षर को नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। 13 साल बाद भारत ने आज फिर से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा लिया है और T20 वर्ल्ड कप जीतने भारत ने फिर से एक बार इतिहास रच दिया है। और इस भारत की जीत के अगर कोई नायक रहा है आज इस मैच का तो विराट कोहली, अक्षर पटेल और हमारी गेंदबाज रहे। जिस तरीके से आज पहले 3 विकेट गिर चुके थे 34 में, ऐसा लग रहा था कि कहीं भारत 150 के अंदर पैक ना हो जाए। और साउथ अफ्रीका बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहा था, लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल ने जो पारी को रफ्तार दिया, उसके बाद कोहली भी संभले और आखिर में आकर शिवम दुबे ने जो हिटिंग किया, उसके बाद भारत 176 टारगेट मतलब हासिल करते जो रन हासिल कर लिया। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये जो टारगेट है ये साउथ अफ्रीका के लिए आसान नहीं होगा, और वैसा ही हुआ और बिल्कुल हमारे गेंदबाज के सामने साउथ अफ्रीका ढह गई और 13 साल बाद भारत का सपना फिर से पूरा हुआ एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने का। तो दोस्तों इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया भी की क्या रिएक्शन है, चलिए वीडियो देख लेते हैं। मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। वर्ल्ड कप में आज वर्ल्ड कप की दो तगड़ी तरीन टीमों का मैच था। इंडिया अब तक कोई मैच हारा नहीं था इस मैच से पहले भी, साउथ अफ्रीका अगर तो सब मुंतजर थे कि आज के मैच में क्या होता है, लेकिन इंडिया ने कुछ भी सोच के पहले बैटिंग का फैसला किया। और क्या बात है दुनिया क्रिकेट के इस अजीम खिलाड़ी की जिसको हम विराट कोहली कहते हैं। ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर की अपनी क्लास है, लेकिन ये अपने जमाने का बहुत बड़ा खिलाड़ी। सही बात है क्रिकेट भी तब्दील हो गई है, सब कुछ हो गया है। तो फिर सब नजरें थी कि देखते हैं आज साउथ अफ्रीका क्या करता है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने क्या किया। बासित भाई इंडियन बॉलिंग मतलब सब, मुझे आज के मैच का इंतजार इसलिए था कि चलो यार दो बड़ी तगड़ी टीमें, मजा आएगा। ये क्या हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ? मेरा ख्याल है कि हमें क्रेडिट देना चाहिए जो इंडिया इस टाइम पे क्रिकेट खेल रहा है ना, उसके आसपास भी कोई नहीं है, कोई टीम नहीं है। कोई, हम अफ्रीका को बोलते थे ना कि वो टीम लगती है जो शायद मुकाबला करे, तो आज वो मिट्टी के रेत के ढेर की तरह साफ कर दिया, खत्म। सचिन तो मास्टर था, क्लासी। और अगर कोई इस टाइम में किसी को किंग का नाम देना चाहिए वो सिर्फ विराट ही है, बाकी कोई आसपास नहीं है, कोई भी आसपास नहीं है। पूरे इंडिया को मुबारकबाद विराट कोहली को, बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी कंट्री के लिए। ऐसा प्लेयर इंडिया की टीम को ना साउथ अफ्रीका ये जो टफ टाइम दे सकती है, हाँ सही है, लेकिन इंडिया ने दिखाया नहीं, हमसे कोई भी नहीं जीत सकता। हम वर्ल्ड कप ही उठाएंगे। वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से हकदार सही है ना, जो
इंडियन टीम है, जैसी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जैसे डोमिनेट किया हर टीम को, ऐसी टीम को डोमिनेट करना किसी टीम ने नहीं किया, उस कमाल बॉलर्स की बड़ी जबरदस्त एफर्ट। वो विराट कोहली जिन्होंने पहले ओवर में 4-3 चौके मारे, मजबूर हो गए सिमट के खेलने पर, और दूसरे एंड से अक्षर पटेल आए, और फिर अक्षर पटेल के छक्के आपने और हमने सबने देखे 31 पे 47। रोहित शर्मा जानता था कि जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है आज मैच के अंदर वो इसका है, इसको भेजो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बनाओ, अक्षर को आज मार दिया, अक्षर छक्के लगाना शुरू किए और 31 पे 47 इस बॉलिंग अटैक पे, और 3-4 छक्के लगाना, अक्षर ने ये गेम वापस इंडिया के पक्ष में किया। और विराट का कमाल आज के दिन जो मानना होगा, मैं आपको बताऊं अक्षर की ब्रिलियंस, मैं आपको बताऊं सबसे वीकलिंग जो था साउथ अफ्रीका की बॉलिंग पे वो मारकाम था, वहां से चार्ज शुरू किया, उसने बोला यार जब तक शमशी आएगा, नहीं मारा तो शमशी को सीधा छक्का मारा, मारकाम शमशी से पहले आया था, वो तो सामने उसने छक्का दिल खोल के मारा है, अबे ऐसी की तैसी करती, देखे जो गेम सेंस था, जो गेम रीडिंग थी वो ये थी, अक्षर की ज्यादा लग रही थी मुझे कि इनके वीक लिंक को पहले ही कमजोर कर दो, इससे पहले के शमशी आए, शमशी डर कर आया, फिर उसके बाद शमशी खुल के नहीं आया। अबे फिर दूसरा ये कि जिसके मुंह में 160-170 भरे हुए थे, विराट कोहली मेक श्योर करके खड़ा रहा उस वक्त, जब तक 160 क्रॉस नहीं करा दिया उसने टीम इंडिया को, आज आधे रन मार दिया पुणे, अबे बजा के रख दी उन तमाम ढक्कन चोरों की जो साले निकल के कल से दिमाग खराब किया होता, कब से नहीं चल रहा, कब से नहीं चल रहा, अबे उन घरों में जिनमें अभी तक जनाजे पड़े नहीं गए, यानी कि हमारे हमारी टीम के पड़े नहीं गए, उनको भी फिक्र ये थी कि विराट नहीं चल रहा, भाई तुम्हारा बाप है क्या विराट नहीं चल रहा, वो क्रिकेट का बाप है, वो चलेगा तो धूम धड़क के चलेगा, और जब वो चला तो फिर आपने देख लिया उसको रोकने वाला कोई नहीं था। कोहली की रात होगी, कोहली की रात होगी, 48 पे 50 अगली 10 बॉलों में खोल दिया, क्या रबादा, क्या यंसन, क्या ये, क्या वो, ये है विराट कोहली, ये आपका विराट कोहली। तो 23 पे 1, 23 पे 2, 34 पे 3, इंडिया वार इन डीप 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 ट्रबल, इंडिया वाज नॉट ब्रीदिंग, कोई लगड़ बगड़ आसमान पे, इंडिया हार गया, खुशियां मना रहे हैं आसमान के साथ लगे हुए हैं, वो भूल गए अब्बू जान ने कहा था 50 से ज्यादा विराट कोहली करेगा, लेकिन कौन कौन बचाएगा, बापू है ना, 47 रन की इनिंग, क्या छक्के मारे हैं, क्या रगड़ा, क्या मजा आया, दिल खुश कर दिया भाई अक्षर पटेल, 72 रन की शानदार पार्टनरशिप, बॉल वॉचिंग करेगा, खड़ा होगा, दिखाएगा, चाहे यंसन हो, चाहे रबदा हो, चाहे जो मर्जी हो, दिखाएगा कोहली कि मैं बादशाह क्यों, देयर इज अ रीजन, जब सब बैठ जाते हैं तो मेलबर्न 2.0 आती है, जब सब रह जाते हैं तो मेलबर्न 2.0 आती है, जब हिंदुस्तान मुश्किल में होता है सब साथ छोड़ जाते हैं तो विराट कोहली बताते हैं कि मैं हूं ना। 35 पे 3 आउट थे, 35 पे 3 आउट थे, और लग रहा था कि ये टीम शायद 100 भी ना कर पाए, रोहित शर्मा आउट हो गया था, सूर्य कुमार यादव आउट हो गया था, ऋषभ पंत आउट हो गया था, लग रहा था कि ये टीम सर 35-100 भी नहीं करेगी, जिस तरह की साउथ अफ्रीका बॉलिंग कर रहा था या जो कोलैप्स इंडिया के ऊपर से हो गया था, फिर एक बंदा आया जिसका नाम है विराट किंग कोहली, बजा दिया पकड़ के, वैस भाई उसने बजा दिया घंटा पकड़ के, इधर हमारा वो नकली 2% का शैंपू वाला किंग घंटे का किंग होता तो वो क्या करता, आप मुझे बताओ कि अगर इधर बाबर आजम होता उसने तो पेश करा देनी थी, लास्ट ईयर जब पाकिस्तान फाइनल खेल रहा था तो भाई ऐसी सिचुएशन थी, बाबर आजम ने वो वाली टट्टी की थी और बाबर आजम आउट हो गया था, लेकिन आज विराट कोहली ने जो इनिंग खेली है 76 रन की, उसके साथ जो इनिंग खेली है, अवैस भाई एक बंदे की बात करूंगा, अक्षर पटेल की, अक्षर पटेल जो है वो घंटे के किंग से बड़ा प्लेयर है, घंटे के किंग से बड़ा प्लेयर है, बजा दिया पकड़ के आज घंटा बजा दिया पकड़ के घंटा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इस वक्त इंडिया रुकने का नाम नहीं ले रहा है, विराट कोहली आज उन्होंने स्कोर किए और उसके बाद उनकी बॉलिंग खा गई साउथ अफ्रीका को। देखिए ये दो टीमें वो थी जो आज मैच खेल रही थी अब तक अगर वर्ल्ड कप 2020, और ये दो ही टीमें जो अब तक फाइनल में पहुंची, आज जिनका मुकाबला हुआ था हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि टीमों के दरमियान कोई बहुत ही तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन वन साइडेड इनकाउंटर, हालांकि जब रोहित शर्मा ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था, लेकिन रोहित शर्मा खुद जिस अंदाज से अपनी टीम को फ्रंट से लीड कर रहे हैं वो कमाल है, उनके जहन में अपना कोई माइलस्टोन नहीं है। आज विराट कोहली ने माशाल्लाह अपनी मैं माशाल्लाह इसलिए कहूँगा कि वो सारी पाकिस्तान में भी बड़ा फैन क्लब है उनका, बहुत लोग पसंद करते हैं और वो क्रिकेट की खूबसूरती है, शानदार उन्होंने 3 स्कोर की, और आप
मैं कहता हूं कि मैंने तो अपने एरिया में जितने भी खिलाड़ी देखे, लेकिन विराट कोहली का मैं देखता हूं जो उनका अंदाज है, जो उनका एनर्जी लेवल है ग्राउंड के अंदर, कि जो उनका फिटनेस का लेवल है, वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से उनके अगर बाजू अगर आप देखेंगे, हाँ तो वो आप कहीं से भी मैच नहीं करेंगे। उनकी फिटनेस का डाइट और फिटनेस उनकी तो बहुत अच्छी होती है। वो जो मेन चीज है विराट कोहली की अभी तक खेल में एक कमाल किस्म की दिलचस्पी, उनकी इंटेंशन, उनकी भूख इस खेल की जानिब जो दिखाई देती है, वो ग्राउंड में उनकी फील्डिंग बताती है, उनका एनर्जी लेवल बताता है कि अभी 35 साल के तो हो गए, डिफिकल्ट पिच थी आज की। आज विराट कोहली की मास्टर क्लास थी कि जो जिस तरह महाराज का गेंद स्पिन हो रहा था, जिस तरीके से तबरेज शमसी स्पिन कर रहे थे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि भारत वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान मीडिया भी भारत की तारीफ करते बिना नहीं रह पाई, क्योंकि उनकी टीम तो सुपर एट से बाहर है ही, ये तो भारत के भरोसे ही उनके टीवी शो चल रहे थे फाइनल तक, कल से उनका मतलब दुकान बंद हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारत जीता है उसकी क्या ही बात है, मतलब आज लग रहा था कि अगर कोहली की फॉर्म आप देख लीजिए, किसी कोई भी आप मतलब नहीं बता पाता कि आज 3 विकेट गिरने के बाद कोहली भी चले जाते, लेकिन नहीं, इसीलिए कोहली को बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है। और कोहली ने आज ये प्रूव करके दिखा दिया कि दुनिया में अगर कोई किंग का नाम किसी को दिया जाएगा क्रिकेट में तो वो वही है, और आएंगे तो घंटे की और प्लास्टिक किंग ये तो सब आएंगे, लेकिन किंग हमेशा एक ही होता है। और विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पे आज अगर कोई जाएगा तो वो क्रिकेट नहीं समझता है भाई, क्योंकि उनको तो एंकरिंग पारी के मतलब उसमें अदा करनी थी, और मारना जो मतलब अपोजिट साइड था उसको, जैसे अक्षर पटेल को और हार्दिक पांड्या और शुभम दुबे को मारना था, ऐसा ही था, तो ऐसा ही हुआ। और जितनी भी मतलब तारीफ की जाए विराट कोहली की इतनी कम है। और उसके बाद अक्षर पटेल ने आज जो पारी खेली भाई, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई जीता है तो भाई अक्षर पटेल की बहुत पारी, जो उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी रही। तो दोस्तों ऐसा करके आज भारत ने फिर से 13 साल बाद जो हमारा सपना था कि एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाए भारत ने उठा लिया, तो पूरे मतलब भारतीय टीम को आज जितनी भी तारीफ किया जाए उतनी कम है, और सारे मतलब भारत में आज जश्न मनाया जाएगा, और ये जश्न कोई देखा नहीं होगा इस तरीके से जश्न मनाया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर कॉल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मैं लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। क्या बात है जी, क्या बात है जी, कमाल का मैच हुआ, मजा आ गया, मैच आ गया इंडिया इंडिया ने और बहुत जबरदस्त जीता, पूरी टीम की परफॉर्मेंस थी, किसी एक को हम नहीं कह सकते, बॉलिंग बैटिंग कमाल, आज किंग ने कमाल कर दिया, अक्षर पटेल कप्तान ने अगर बारी नहीं खेली तो कप्तान ने आज कप्तानी ग्राउंड में फील्ड में करके दिखाई, और जिस तरह से कैसे मैच के बदलते हुए पासे को भी अपने हाथ में कर लिया, वो कमाल था यार। लेकिन सबसे बड़ा था कि जब ये लम्हा आया, जब वो आखिरी बॉल मैच जीता इंडिया ने, रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, हार्दिक पांड्या की आंखों में आंसू, विराट कोहली की आंखों में आंसू, ग्राउंड में लेट रहे हैं, क्या जज्बाती मनाजर थे यार, मजा आ गया उस चीज को देखकर, और बयान नहीं किया जा सकता ये चीज, जो खुशी है भाई। वर्ल्ड कप के फाइनल बहुत सारे देखे हैं, लेकिन इस जैसा फाइनल जो था कभी नहीं होगा आने वाले दिनों में, शायद हम भी चाहते थे कि रोहित के हाथ में वो ट्रॉफी हो वो ट्रॉफी लेकर अपने, और मैच भी ऐसा ही होना चाहिए, आखिरी बॉल तक मैच होना चाहिए, और ऐसा ही कभी इस तरह साउथ अफ्रीका कभी इंडिया का, अगर क्लासिन को पांड्या आउट ना करते तो भाई फिर मैच का अच्छा वो कैच जो पकड़ा था, वो कैच अगर ना पकड़ते तो भाई कह लो मैच तो हार गया था इंडिया, सिक्स था वो, सिक्स सबने अपना अपना किरदार था, वीरेंद्र कुमार का वो कैच, अक्षर पटेल की वो बारी, विराट कोहली की वो बारी, वो बुमराह के वो एक ओवर, आखिरी ओवर, और टाइम पे हार्दिक पांड्या की वो विकेट, मजा आ गया पूरे मैच का। और लास्ट ओवर जो सेकंड लास्ट ओवर किया अर्शदीप ने, कमाल कर दिया, क्योंकि आखिरी वो जो ओवर होता है ना, वो उसमें जो फेंटा पड़ता है उसमें ही कोशिश करते हैं कि स्कोर को लेवल कर दिया जाए, लेकिन वो कमाल का ओवर फेंका, मजा आ गया उसका, और मैच का तो पूरे का पूरे मजा रहा, और एक टाइम पे तो दिल बैठ गया, साउथ अफ्रीका 24 पे जब 24 आ गए तो मैंने कहा, लेकिन हम कह रहे थे किंग आएगा खेलेगा और वो बड़े मैच में ही खेलेगा, और किंग है, क्या बात है, मजा आ गया। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा, तो मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए।